डब्ल्यू पी ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुश हमदीद कहते हैं और आज की जो हमारी वीडियो है व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग अब हमारा कंप्लीट कोर्स डब्ल्यू पी ऑनलाइन सर्विसेज डॉट कॉम से अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है और विद सर्टिफिकेशन तो हम एक स्नैरियो देखते हैं जो नोमान है वो एक ई कॉमर्स कंपनी का ऑनर है और वो ई मेल मार्केटर एक्सपर्ट को कहता है कि नाउ नाव एक्सपेंड वट इज़ ई मेल मार्केटिंग ऑलरेडी हम प्रीवियस स्नैरियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी ई मेल मार्केटर एक्सपर्ट उसे कहता है ओके आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल इज ईमेल मार्केटिंग ई मेल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ ई मेल टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज वाइल डिवेलपिंग रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर और क्लाइंट बेसिकली हम ई मेल मार्केटिंग के जरिए अपना कोई ना कोई ब्रांड या अपना प्रोडक्ट को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं बेसिकली ब्रांड प्रमोशंस के लिए आजकल ईमेल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है या कोई भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ईमेल मार्केटिंग का सहारा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि टारगेटेड कस्टमर होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्ट हम सिर्फ उन्हें ही मेल फॉरवर्ड्स करते हैं और उनसे क्या होता है कि हमारा जैसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ठीक है अब हम एक कस्टमर लाइफ साइकिल देख लेते हैं ठीक है ईमेल मार्केटिंग इज इफेक्टिव इन एवरी स्टेज ऑफ कस्टमर लाइफ साइकिल अब कैसी कस्टमर लाइफ साइकिल के हर स्टेज में ईमेल मार्केटिंग इफेक्टिव है हम उस चीज को देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कस्टमर लाइफ साइकिल होता क्या है कस्टमर लाइफ साइकिल पांच स्टेप्स के अंदर इंक्लूड होता है अवेयरनेस कंसंट्रेशन परचेज रिटेंशन एडॉक्सी ये हमारे पास जो पांच स्टेप होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे कस्टमर लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम देखेंगे कि अवेयरनेस क्या चीज़ है ठीक है तो जब हम अवेयरनेस को देखेंगे अवेयरनेस क्या चीज है तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कस्टमर रिकॉग्नाइज कैन एजुकेट योर ब्रांड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम अब क्या होता है कि अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है ठीक है अगर कस्टमर को पता चलता है यार कोई ना कोई इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसे एजुकेट करते हो सबसे पहले उसे बताते हो कि आपका ब्रांड कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है डिफरेंट स्नैरियो है हम एक सुनैरियो का भी डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम एक न्यूज लेटर उससे शेयर करते हैं कोई भी एक हमारे पास कस्टमर है उसका हमारे पास मेल्स हैं हम उसके साथ एक न्यूज लेटर शेयर करते हैं टेन हेल्थ टिप्स एवरी वन शुड फॉलो ठीक है दस हेल्थी टिप्स हैं कि हर बंदा उसको फॉलो करे अब हर बंदा आजकल के दौर में अपने हेल्थ के लिए बड़ा उसका जोर देता है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो ठीक है और साथ ही साथ हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो दैट्स वाई जब उसको अपनी एक प्रॉब्लम फेस आती है तो एक नॉर्मली मैंने एक एग्जांपल के लिए स्नैरियो जनरेट किया है कि टेन एल टिप्स एवरीवन शुड फॉलो हम ये इसे मेल करेंगे ठीक है तो वो क्या करेगा एक न्यूज लेटर क्योंकि उसने ऑलरेडी साइन अप किया होता है हमारी वेबसाइट पे ठीक है वो भी आपको एक तरीके से समझाऊंगा तो हम उसको एक मेल करते हैं और उसमें हम देखते हैं कि यार वो जो अकॉर्डिंग टू सर्च देख रहा था हम उसके अकॉर्डिंग ये मेल करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम हम उसको एक मेल करेंगे और वो क्या करेगा कि क्लिक हेयर टू गाइड फ्रा फॉर फ्राम ठीक है दिस दिस जो भी साइट है हमारे पास ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेशन कंसनट्रेशन में क्या होता है कस्टमर इज फोकस्ड ऑन सर्चिंग फॉर रेलिवेंट प्रोडक्ट एंड कंपेयर द प्रोडक्ट विथ सिमिलर वंस अब क्या होता है कि अब जो मेरे पास प्रॉब्लम आई उसी के रेलिवेंट्स मैंने सर्च करनी है कस्टमर उसी के रेलीवेंट सर्च करता है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि उसी के रेलिवेंट्स हम क्या है? Mails करते हैं मेल्स को जनरेट करते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग टू हिस सर्च ठीक है हम मेल्स को जनरेट करते हैं सपोज हमारे पास क्या है सेंट रेलीवेंट ई मेल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट ठीक है अब गेट दिस कंप्लीट डाइट गाइड ईट अ अल्थी डाइट ठीक है अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको कि कंप्लीट डाइट गाइड लो ठीक है और ईट अ हेल्थी डाइट हेल्थी डाइट खाओ ठीक है उसकी मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कंज्यूम लेस साल्ट एंड शुगर रिड्यूस इन टेक ऑफ हार्मलेस फैट्स अब इसका फ़ायदा क्या होता है बेसिकली हम इस तरह का जब हम मेल उन्हें फॉरवर्ड करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है अगर मुझे मेरी हेल्थ के अकॉर्डिंग था मुझे फैट ज़्यादा हो रहा था उसके अकॉर्डिंग था तो उसके अकॉर्डिंग मैं सर्चिस कर रहा था तो मैंने एक कम्प्लीट डाइट गाइड मैंने उसके लिए बना दी कि कौन से फूड हैं हेल्दी हैं आपके लिए ठीक है और आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो उस तरह का मैं एक कंप्लीट उसके लिए गाइड का उसी तरह का एक ई मेल फॉर्वर्ड कर दूंगा और उसकी प्रॉब्लम के ये काफ़ी रेलिवेंट होगा ठीक है दैट्स वाई 90 परसेंट चांसेज़ हैं को क्या करेगा यहाँ से क्लिक करके इस गाइड की तरफ लाजमी रजू करेगा नेक्स्ट आता है परचेज अब परचेज में क्या करता है करते हैं हम कि इनकेज योर कस्टमर टू परचेज प्रोडक्ट बाय गिविंग देम ऑफर्स ठीक है हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि यार वो हमारा प्रोडक्ट ले ले हम उसको कुछ ऑफर्स देखते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं आपको मेल्स आ रहे होते हैं टेन परसेंट ऑफ़ ट्वेंटी परसेंट ऑफ थर्टी परसेंट ऑफ़ ठीक है तो कुछ आपको इंगेज कर रहे होते हैं कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे हमारा प्रोडक्ट यार खरीदो ठीक है देर से हम उसको ऑफर कॉल करवाएंगे फॉर एग्जाम्पल हम कैसे ऑफ़र कॉल करवाएंगे गिव डिस्काउंट वी आर ये ई मेल एंड एनकरेज यूर कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट हम ई मेल के जरिए उसको हम डिस्काउंट करेंगे ठीक है टेन परसेंट ऑफ ऑन दिस स्पेशल ऑफर फॉर स्पेशल कस्टमर ठीक है और शॉप में होकर हमने बटन लगा दिया तो हम उसको टेन परसेंट ऑफ दे रहे हैं ठीक है इस पर तो वो चांसेज हैं ठीक है नाइन्टी परसेंट चांसेज अगेन मैं करूंगा कि नाइन्टी परसेंट चासेज है क्योंकि उसके रेलिवेंट प्रॉब्लम चल रही है तो नाइन्टी परसेंट चांसेज है यार टेन परसेंट ऑफ मिल रहा है वाई नॉट मैं इसे बाय कर लूँ तो इतने चांसेस होते हैं कि अगर आपकी एक रेलिवेंट प्रॉब्लम चल रही हो तो आप एक चीज को लेने के लिए नब्बे फीसद क्या होते हो एग्री होते हो ठीक है तो नेक्स्ट देते हैं रिटेंशन क्या होता है आपके पास हम रिटेंशन के अंदर बेसिकली कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करते हैं कस्टमर के साथ एक अच्छी बातचीत रखते हैं नॉर्मली क्या करते हैं दुकानदार जब आप एक दुकान में भी, भी कोई चीज़ लेने जाते हो तो कस्टमर के साथ बड़ा अच्छे बिहेव कर रहे होते हैं वेल बिहेव कर रहे होते हैं ठीक है उसको कहते हैं यार ये प्रोडक्ट अच्छा है और देखते हैं बायर है अच्छा बायर है उसको चीज़ अच्छी देते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर हमारे पास है तो अगेन हम ईमेल मार्केटिंग के जरिए सेम ये स्नैरियो फॉलो करेंगे ठीक है कि अच्छा रिलेशन अपने कस्टमर के साथ रखेंगे रिलेशनशिप विथ कस्टमर टू इंश्योर दे रिमेन रॉयल टू योर ब्रैंड ठीक है अब अच्छा रिलेशनशिप हम अपने कस्टमर के साथ रखेंगे तो वह हमारे ब्रांड के साथ क्या रहेगा लॉयर रहेगा तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक ई मेल के जरिए हम कैसे अच्छा एक रिलेशन रख सकते हैं जस्ट लाइक स्पेशल ई मेल ऑन एक्टिव कस्टमर हम सेंड करेंगे स्पेशल ई मेल जो हमारे पास एक्टिव कस्टमर्स होंगे एक्सक्लूसिव ऑफर जस्ट फॉर यू सिर्फ मैं कहूँगा कि यार ये या आपके लिए ऑफर है और किसी के लिए नहीं है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर जस्ट फॉर यू वर्थ ट्वेंटी डॉलर मैं ट्वेंटी डॉलर की चीज़ उसे फ्री दे रहा हूँ उससे ये होगा कि कस्टमर मेरे ब्रांड के साथ ज्यादा से ज़्यादा लॉयल रहेगा ठीक है आप ना फ्री दो आपकी मर्जी है मैं आपको नहीं कह रहा फ्री दो जस्ट मैं आपको एक स्नैरियो एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ये एग्जाम्पल के तौर पर है ठीक है और शॉप नाउ का बटन लगा दूंगा तो वाई नाट वो एक चीज़ खरीदे और उसे दूसरी चीज़ साथ फ्री मिल रही हो तो उसको लाजमी अवेल करेगा एडोक्सी बेसिकली कन्वर्ट एक्टिव कस्टमर इन टू ब्रांड एडवोकेट्स बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम अपने जो एक्टिव कस्टमर होते हैं ना उसी के ज़रिए हम अपने एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट कर देते हैं इनडायरेक्टली मैं ये कहूँगा ठीक है और जस्ट uh, लाइक like वो हमारे ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि लोगों तक पहुँचाते हैं यार ये अच्छा ब्रांड है ये ब्रांड ऐसे कर रहा है ये ब्रांड बड़ी अच्छी चीज़ मुहैया कर रहा है ठीक है या फिर सेकेंड सिनेरियो ये होता है कि हम एक ई मेल इस तरह का जनरेट करते हैं ऑलरेडी जनरेट हो रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज करती हैं सेंड ई मेल टू कस्टमर टू प्रमोट योर प्रोडक्ट जस्ट लाइक लेट्स फोकस ऑन सेविंग लाइफ्स टूडे ठीक है इस तरह के मैंने एक ई मेल बना दिया बाय प्रोडक्ट फ्रॉम माई वेबसाइट एसेंस डॉट कॉम वी डोनेट मनी टू सेव हंग्री पीपल एंड होमलेस पीपल ठीक है हम बेसिकली इस तरह के एक मेल बनाएंगे इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट टू हेल्प नीडी पीपल अगर आप इंटरेस्टेड हो ठीक है लोगों की मदद करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट से ये चीज़ परचेज़ करो वाई नॉट हम जो पैसा आएगा हम उससे लोगों की एक्जैक्टली exactly मदद करेंगे ये बात है कि ब्रांड्स कभी भी इस तरह के मेल वैसे ही नहीं छोड़ते ब्लेंडर कभी नहीं मारते डायरेक्टली कुछ ना कुछ एनजीओस के साथ उनके रबते होते हैं वो मदद कर रहे होते हैं ठीक है डायरेक्टली डेफिनेटली मदद करेंगे लेकिन शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आप खुद नहीं कर सकते अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे ज्यादा इस ब्रांड को शेयर करो ऑलरेडी मेरा सब्सक्राइबर था उसने जब शेयर किया नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचा वो लाजमी मेरी वेबसाइट पे विजिट करेगा कि यार मैं किसको पैसे देने जा रहा हूं ठीक है तो मेरे पास एक व्यूअर भी आया अगर उसे मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगता है और देखता है कि यार ये मेरे लिए बेस्ट है तो मेरे अगेन एक सब्सक्राइबर बन जाएगा और नेक्स्ट बंदे को वो शेयर करेगा तो दैट्स हम कस्टमर के जरिए अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं तो दिस इज अ कस्टमर और लाइफ साइकिल जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था और आपको कंप्लीटली समझा दिया है तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा सो काइंडली वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी एक्सप्लेन यू हाउ टू सेट अप ईमेल्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम ईमेल्स को कैसे आप सेटअप कर सकते हो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो थैंक यू